एवरीवन, मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 13 जो पेज नंबर है 20.74 पे। ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस करूंगा जो कि आप लोगों के बुक के पेज नंबर 20.74 पर है। अब इसमें बच्चों बहुत सारी एडजस्टमेंट दे रखी है, ठीक है, और बहुत सारी आइटम्स है, पर देखो इसमें ना क्या करा है उसने, ट्रायल बैलेंस को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, नॉर्मली हमारा ट्रायल बैलेंस में एक साइड डेबिट होती है और एक साइड क्रेडिट होती है, तो क्वेश्चन में भी ऐसे ही हुआ है। उसने सारी की सारी आइटम पहले डेबिट वाली दे दी है लेफ्ट हैंड साइड और फिर क्रेडिट वाली दे दी है राइट हैंड साइड। तो जरा देखो आप लोग मेरे साथ साथ क्या क्या कह रहा है। फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ मेसर्स इंद्रामणि जायसवाल एज ऑन 31 मार्च 2021, बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर गुडविल प्रोडक्ट ऑफ वेजेस सैलरी फ्रेट इनवर्ड फ्रेट आउटवर्ड मैन्युफैक्चर एक्सपेंसेस इंश्योरेंस जनरल एक्सपेंसेस डेटर ओपनिंग स्टॉक परचेज रिटर्न इनवर्ड कमीशन बैड डेट्स बैंक चार्जेस और बैंक बैलेंस कैश। अच्छा, क्रेडिट साइड की आइटम भी देख लो। क्रेडिट साइड में दे रखा है बच्चों कैपिटल रिटर्न आउटवर्ड सेल्स प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ये आप लोगों को पता है ये कहां जाएगा, ये ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो आपको पता होना चाहिए बच्चों ये कहां जाएगा। उसके बाद है क्रेडिटर बिल्स पेबल और बैंक एंड लोन। अब बच्चों एडजस्टमेंट किन किन चीजों पे, जरा देखो एडजस्टमेंट। सबसे पहले है क्लोजिंग स्टॉक, तो वो आप लोगों को पता है। उसके बाद है मशीनरी, तो बच्चों मशीनरी पे दो नंबर मार्क कर लो, मशीनरी पे दो नंबर एडजस्टमेंट है, दो नंबर मार्क कर लो। उसके बाद है प्रोविजन क्रिएट करना है, तो ये बच्चों ये प्रोविजन वाली डेटर्स पे है और बैड डेट्स पे है, तो इस पे आप लोग तीन नंबर मार्क कर लो, डेटर्स पे और बैड डेट्स पे थ्री नंबर। उसके बाद है कमीशन पेबल टू मैनेजर, मैं इसके बारे में चर्चा रखूंगा, चिंता मत करो। ठीक है, ये सब ये एडजस्टमेंट जब आएगा तो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, क्यों टेंशन ले रहे हो। सर क्या आज हमें ये मैनेजर कमीशन से रिलेटेड वाला ही सीखना है? हाँ बच्चों यही सीखना है, यही है आज का मेन। बाकी पूरा क्वेश्चन आप लोगों को आता है पर यही आप लोगों को मेन समझना है आज। ठीक है सर, हम समझ गए। आगे देखो, उसके बाद कह रहा ऑन 25 मार्च 2021 गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 1500 एंड फर्नीचर कॉस्टिंग रुपीज 3000 वर डिस्ट्रॉय बाय फायर। ओहो, आपके बिजनेस में आग लग गई और 1500 रुपए का गुड्स धू 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 करके जल गया बच्चों, और एक उसके साथ फर्नीचर भी जल गया। ठीक है जी, आप बड़े चलाक हो, आपने करा रखा इंश्योरेंस। तो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, इंश्योरेंस कंपनी हैज एक्सेप्टेड क्लेम ऑफ रुपीज 1000 फॉर गुड्स एंड 2000 फॉर फर्नीचर। बस बच्चों सिंपल क्वेश्चन है, तो आप लोग ये लास्ट वाली एडजस्टमेंट है परचेज पे, तो परचेज पे 5 नंबर और फर्नीचर पे भी 5 नंबर, परचेज पे 5 नंबर और फर्नीचर पे भी 5 नंबर मार्क कर दो। तो ये टोटल हमारे पास 5 एडजस्टमेंट है जिसे हमें डील करना है और एक कमीशन वाली है। कमीशन वाली को हम किस तरीके से डील करेंगे यही आप लोगों को आज सीखना है। ठीक है, तो रेडी हो जाओ, मैं आप लोगों के साथ सॉल्व करना स्टार्ट कर रहा हूं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग जितने भी आइटम्स हैं उनको ट्रांसफर कर देते हैं और इसमें आप लोग मेरी हेल्प करोगे। रेडी हो, बोलो जल्दी। अरे बोलो, रेडी हो कि नहीं हो तुम लोग? हाँ वेरी गुड, रेडी है। तो बस मेरी हेल्प करो, ये लीजिए। सबसे पहला है बच्चों बिल्डिंग, बिल्डिंग हमारी एसेट्स होती है और कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो आउटर कॉलम में आप प्लेस कर सकते हो 27,000। उसके बाद है मशीनरी, मशीनरी बच्चों हमारी एसेट्स होती है और इस पर एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में लिखना। हाँ तुम लोग तो बोल ही नहीं रहे हो कुछ। उसके बाद है हमारा फर्नीचर पे भी एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम में लिखना, ये लो। ठीक है, उसके बाद है हमारा गुडविल, गुडविल हमारी, गुडविल क्या होती है हमारी जल्दी बताओ। हाँ वेरी गुड, देखो पता है लड़के को, गुडविल एसेट्स होती है हमारी, उसकी वैल्यू है बच्चों 27,142। उसके बाद है हमारा प्रोडक्टिव वेजेस, प्रोडक्टिव वेजेस कौन सा एक्सपेंस होता है हमारा? हाँ डायरेक्ट होता है, प्रोडक्टिव वेजेस डायरेक्ट होता है बच्चों, वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने, प्रोडक्टिव वेजेस हमारा डायरेक्ट होता है 31,790। चलिए नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट है सैलरीज, सैलरीज बताइए आप लोगों को, इनडायरेक्ट होता है तो ये लीजिए 2 सैलरीज, और बच्चों इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो हम डायरेक्टली आउटर कॉलम में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है,
चलो सबसे पहले आइटम ही प्लेस कर रहे हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे। फ्रेट इनवर्ड, हाँ जी फ्रेट इनवर्ड कौन सा एक्सपेंस होता है जल्दी बताओ। फ्रेट इनवर्ड यस, फ्रेट इनवर्ड डायरेक्ट होता है। वेरी गुड, ये जिसने भी आंसर किया है वेरी वेरी गुड। फ्रेट इनवर्ड डायरेक्ट होता है बच्चों, और इसकी वैल्यू है हमारी 2470। हाँ फ्रेट आउटवर्ड, ऑब्वियसली अगर फ्रेट इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड डायरेक्ट है तो फ्रेट आउटवर्ड इनडायरेक्ट ही होगा, है ना। ये सही बोला आप लोगों ने, ये रो तो फ्रेट आउटवर्ड, हाँ फ्रेट आउटवर्ड की वैल्यू बच्चों 2000। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ये डायरेक्ट एक्सपेंस होता है बच्चों मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। हाँ जी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हमारा 11000। उसके बाद है बच्चों इंश्योरेंस, इंश्योरेंस होता है हमारा इनडायरेक्ट, ये लो और इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो आउटर कॉलम में प्लेस कर देना। नेक्स्ट है बच्चों हमारा जर्नल एक्सपेंसेस, वो भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, एज यू नो वेरी वेल अबाउट दैट, ठीक है ये भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। उसके बाद है बच्चों हमारा डेटर्स, डेटर्स हमारी एसेट्स होती है और उस पर एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में लिखना, ये लो डेटर्स, डेटर्स की वैल्यू है बच्चों हमारी 67,360। अच्छा नेक्स्ट है हमारा ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक तो पता है ना आप लोगों को प्री डिसाइडेड है बच्चों, पहले से ही वो कहां पे ट्रांसफर होगा ये आपको पता है। उसके बाद है परचेज, तो परचेज भी पता है आप लोगों को 95,015 रुपीज, ये लो। नेक्स्ट है हमारा रिटर्न इनवर्ट, चलो अब फंस गया आप लोग, बताओ रिटर्न इनवर्ट किसे कहते हैं। अरे वाह धुरंध लोगो, तुम लोग नहीं फंसने वाले, ये नहीं फंसेंगे, ये कसम खा के आए सर हम नहीं फंसेंगे, आप जो मर्जी क्वेश्चन पूछ लो हमें सब आता है सर, सिर्फ कमीशन नहीं आता। अरे वो तो आज मैं सिखा दूंगा, क्यों टेंशन ले रहे हो। अच्छा उसके बाद क्या है कमीशन, कमीशन हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है बच्चों 2 कमीशन, कमीशन की वैल्यू है 989। हाँ जी नेक्स्ट है बच्चों हमारा बैड डेट्स, बैड डेट पे एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में लिखना बैड डेट्स, बैड डेट्स की वैल्यू है हमारी 1300। नेक्स्ट है बच्चों हमारा बैंक चार्जेस, हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस ये है हमारा 460। उसके बाद है बच्चों बैंक बैलेंस और कैश बैलेंस, बोथ आर अवर एसेट्स, तो ये लीजिए बैंक बैलेंस एंड बैंक चार्जेस, अरे सॉरी कैश, बैंक बैलेंस भी एसेट्स और कैश भी एसेट्स, तो ये लीजिए 7145 और 721, ये लीजिए। अच्छा आगे बढ़ते हैं, अब बच्चे बच्चों क्रेडिट, हमारी क्रेडिट साइड, हमने डेबिट साइड तो सारी प्लेस कर दी, अब क्रेडिट साइड बची है तो जरा उसको भी प्लेस कर देते हैं। कैपिटल हमारी प्री डिसाइडेड आइटम है, ये लो। उसके बाद है रिटर्न आउटवर्ड, ये आपको पता ही है रिटर्न आउटवर्ड किसे कहते हैं, परचेज रिटर्न को, भाई रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न को कहते हैं तो रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न को तो कहेंगे। उसके बाद है हमारा सेल्स, सेल्स है हमारा 2,46,700 बच्चों। उसके बाद है हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, बताओ ये कहां जाएगा, अब फंसोगे तुम लोग, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कहां पे लिखूं, गलत आंसर है, और बताओ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कहां लिखा जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, गलत जवाब, और कोई बोलो, चलो दो गलत हो गए। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 6200 ये कहां लिखा जाएगा बच्चों जल्दी बताओ, नहीं पता किसी को, मजा आ गया तुम लोग फंस गए बच्चे, ये हमारा ओल्ड प्रोविजन होता है और जब भी ये ट्रायल बैलेंस में मिले याद रखना इसे पीएनएल में क्रेडिट साइड लिखा जाएगा। सर इसको एक बार प्लीज दोबारा से समझा दो, हाँ मैं समझा रहा हूं ना, आप लोग क्यों टेंशन ले रहे हो, इसकी वैल्यू है 6200, ये लो बच्चों। जब भी आप लोगों को ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स मिले, ठीक है ना, या बैड डेट रिजर्व मिले, ठीक है दो नाम मैं बोल रहा हूं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या बैड डेट रिजर्व, याद रखना वो पीएनएल में क्रेडिट साइड लिखा जाता है बस और कहीं नहीं, ठीक है ना।
उसके बाद है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को पता ही होगा पक्का पक्का, आज आप लोग फंस गए। क्रेडिटर की वैल्यू है 18,160। हाँ, नेक्स्ट है बच्चों हमारा फिर बिल्स पेबल ऑल्सो लाइबिलिटी, बैंक लोन ऑल्सो लाइबिलिटी। ये लीजिए, बिल्स पेबल भी लाइबिलिटी है और बैंक लोन भी लाइबिलिटी है, ये दोनों के दोनों हमारी लाइबिलिटी है। बिल्स पेबल की वैल्यू है बच्चों 12,000 और बैंक लोन की वैल्यू है 10,000। ये लीजिए, अब मैंने सारी की सारी आइटम ट्रांसफर कर दी। आप लोग अगर इन आइटम में कोई डाउट है, जितने भी मैंने ट्रांसफर करी अभी, अगर कुछ पूछना चाह रहे हो तो वो पूछ लो पहले, फिर मैं बच्चों आगे बढ़ूंगा ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। अब तो हमें एडजस्टमेंट ही करनी है। सर एक बार प्रोविजन वाला फिर से समझा दो, पीडीडी। हाँ, पीडीडी बच्चों दोबारा से सुन लो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अगर ये आप लोगों को ट्रायल बैलेंस में मिल रहा है, ठीक है ना, बाकी जैसे आइटम मिल रही है परचेज सेल्स फर्नीचर मशीनरी, वैसे अगर ट्रायल बैलेंस में मिलेगा, ट्रायल बैलेंस के अंदर हो, तो इसको उठा के पीएनएल में क्रेडिट साइड लिख दिया जाता है, बस। ये ओल्ड प्रोविजन होता है बच्चों। और बोलो ऋतिक, कोई डाउट? तो सारा क्लियर है, क्लियर। चलो अब एक एक करके एडजस्टमेंट करते हैं बच्चों। बच्चों मैंने सारी आइटम्स को ट्रांसफर कर दिया, जिन पे एडजस्टमेंट है उन्हें भी, जिन पे एडजस्टमेंट नहीं है उन्हें भी, पर मैंने दोनों में एक डिफरेंस रखा है। जिन पे एडजस्टमेंट है मैंने उनको इनर कॉलम में लिखा है और बाकी सबको आउटर कॉलम में। अब हमें एक एक करके एडजस्टमेंट पढ़नी है और उसको लिख देना है। चलो देखते हैं। सबसे पहली एडजस्टमेंट है बच्चों क्लोजिंग स्टॉक। ओए होए, ये कौन से एडजस्टमेंट आ गए? अरे ये भी सिखानी पड़ेगी क्या? जल्दी से बताओ इसकी कहां कहां जाएगी। ये देखो, वेरी गुड, ये तो याद है तुम लोगों को, तुम लोग धुरंधर हो, हैं? चलो वेरी गुड। अच्छा, सेकंड एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन चार्ज करना है मशीनरी पे। ये भी मैं नहीं बताऊंगा, ये तुम लोग बताओगे। जल्दी बताओ क्या करना है इसका। ये लो डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। ये देखो कितने तेज बच्चे हैं, वेरी गुड यार, बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखो तुम सब पढ़ने वाले हो पक्का पक्का। माइनस डेप, कह रहे हैं सर बैलेंस शीट में से माइनस करके पी एंड एल में डेबिट कर दो। तो लो बच्चों 16,500 का 10% होगा 1650 और यही बच्चों यहां पे चले जाएगा 1650। हाँ जी, पहली एडजस्टमेंट में एडजस्टमेंट नंबर वन, एडजस्टमेंट नंबर टू में किसी को डाउट है तो बोलो। क्लियर है सबको? पक्का पक्का वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया। अब मैं आप लोगों के ये बताने वाला हूं कि पहले एडजस्टमेंट और दूसरे एडजस्टमेंट, फर्स्ट और सेकंड को हमने डील कर लिया, अब थर्ड एडजस्टमेंट को बिल्कुल ध्यान से सुनना, ठीक है ना? क्योंकि देखो, अब ध्यान से देखो, अभी समझ आ जाएगा जो मैं कह रहा हूं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आप लोगों के ट्रायल बैलेंस में भी था, तो वो कहां चले गया? यहां चले गया, ठीक है। बट जो एडजस्टमेंट में है उसको कैसे डील करेंगे? लिखा हुआ है क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट द रेट 5% ऑन डेटर। बच्चों कह रहा है, इसका मतलब समझ लो, अब जो एडजस्टमेंट नंबर थर्ड करा रहा हूं मैं, कह रहा है डेटर्स पे 5% पैसा डूब जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, डेटर्स पे जो 5% पैसा डूबेगा वो आपके लिए प्रॉफिट की बात होगी या लॉस की? लॉस की। लॉस की, वेरी गुड। तो बच्चों वो आपके लॉस में बढ़ जाएगा, बैड डेट्स में, एनपीडीडी, ठीक है। इसका नाम लिखेंगे हम एनपीडीडी, न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। और ये किस पे डूब रहा है बच्चों? डेटर पे 5%। देखो डेटर की वैल्यू है, डेटर की वैल्यू है 67,360। वो कह रहा है कि इस पर 5% पैसा डूब जाएगा। भैया जो 5% पैसा डूबेगा मेरे लिए लॉस है, ठीक है ना, मैं बिजनेस, तो 5% पैसा डूबा दो भैया। 67,360 का 5% होगा बच्चों, ये लीजिए, लेस एनपीडीडी।
ये लो, जो 5% पैसे वैल्यू आई बच्चों वो आई 3368, तो इतना पैसा मेरा डूब गया 3368, तो ये चले गया बच्चों 4668, ये लीजिए। ठीक है, पहली एडजस्टमेंट में कोई डाउट नहीं है, सेकेंड एडजस्टमेंट में कोई डाउट नहीं है, एक बार बच्चों थर्ड को फिर से देख लो, अगर कोई डाउट है तो डिस्कस कर लो, और नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। ध्यान से समझना, वो कह रहा है क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट द रेट 5% ऑन डेटर, डेटर पे 5% पैसा डूबेगा। भैया हमारा डेटर एट प्रेजेंट है 67,360, इस पे 5%, तो इसका 5% निकाल के मैंने माइनस कर दिया। सर ये माइनस क्यों हुआ है? क्योंकि बच्चों इतने डेटर्स अब हमें पैसा नहीं देंगे, डेटर्स की जो टोटल वैल्यू थी उसके 5% डेटर अब हमें पैसे नहीं देंगे, तो मेरे डेटर हो गए कम, और ये जो डेटर पैसे नहीं देंगे मेरे लिए है लॉस, इसलिए पी एंड एल में मैंने इसको अपने लॉस के साथ ऐड भी कर दिया। बोलो क्लियर है ये थर्ड वाली भी? यस सर क्लियर है। चलो अब जरा देखो फोर्थ एडजस्टमेंट, वेरी गुड वेरी गुड संध्या। अब क्या फोर्थ एडजस्टमेंट में क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो, यही तो सीखना है। एग्जामिनर पता है बहुत बढ़िया गेम खेलता है, जरा ध्यान से पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा। कह रहा है और कमीशन पेबल टू मैनेजर, कह रहा है भैया मैनेजर को कमीशन पे करना है। हमने कहा ठीक है जी पे कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें, अब बताओ तो सही। कह रहा बता तो रहे हैं, पहले देखो तो सही। हमने कहा अच्छा भाई। कह रहा है कमीशन पेबल टू मैनेजर एट 10% ऑन नेट प्रॉफिट, एक मिनट रुक जाना, अंडरलाइन करिए सबके सब, नेट प्रॉफिट पे। सर हमारा नेट प्रॉफिट तो आया ही नहीं है, भाई ध्यान से सुन लो सारे के सारे लोग, पता नेट प्रॉफिट कब आएगा, जब जीपी आ जाएगा और जीपी में से सारे एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे तब आएगा नेट प्रॉफिट। तो अब पता एग्जामिनर ने क्या करा, जानबूझकर फिफ्थ एडजस्टमेंट से पहले ही एडजस्टमेंट दे दी, तबकि बच्चों मैनेजर कमीशन वाली सबसे लास्ट एडजस्टमेंट होनी चाहिए क्वेश्चन में। अब आप लोग आज ही कसम खा लो अच्छे तरीके से, सर कौन सी कसम खिलवा रहे हो हमको। बच्चों ध्यान रखना हमेशा, ये दो कसमें कभी मत भूलना, ठीक है, बिल्कुल याद रखना। मैं अभी एक कसम अभी खिलवाऊंगा, दूसरी कसम बाद में, पहली कसम याद रखो। मैनेजर कमीशन की अगर क्वेश्चन में एडजस्टमेंट है जैसे कि इस क्वेश्चन में है, तो वो एडजस्टमेंट नंबर चाहे 1 हो चाहे 2 हो चाहे 3 हो चाहे किसी भी नंबर पे वो एडजस्टमेंट हो, आप लोग उस एडजस्टमेंट को ऑलवेज सबसे लास्ट में करेंगे, कसम पूरी। बोलो कसम खाओ सबके सब, समझ गए कसम? हाँ वेरी गुड। मैनेजर कमीशन की एडजस्टमेंट कहीं पे भी हो किसी भी नंबर पे हो, पर करने का भी आंसर करो पहले, सबसे लास्ट में। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए तो फिर अपने अगली एडजस्टमेंट कर लेते हैं ना चुपचाप से। कह रहा है 25 मार्च को आपके गोडाउन में आग लग गई, कह रहा है 1500 रुपए का स्टॉक जल गया, परचेज जल गया, गुड्स 1500 रुपए के गुड्स जल गए, 3000 का एक फर्नीचर जल गया। बच्चों जो गुड्स जले हैं और जो फर्नीचर जला है, ये आपके लिए प्रॉफिट की बात है या लॉस की, पहले ये बताओ। लॉस की बात है तो ध्यान से देखो, मैंने लॉस में लिख दिया टू लॉस बाय फायर, फायर की वजह से लॉस हुआ है गुड्स का, और लॉस हुआ है फर्नीचर का। बच्चों गुड्स का लॉस हुआ है 1500 रुपए का, फर्नीचर का लॉस हुआ है 3000 का, ठीक है, फर्नीचर का लॉस हुआ है 3000 का, गुड्स का लॉस हुआ है 1500 का, तो गुड्स तो कम हो जाएंगे परचेज में से, ठीक है। लो लेस लॉस बाय फायर, हाँ गुड्स 1500 रुपए के गुड्स का लॉस हुआ, तो हमारी जो परचेज हमने जो गुड्स खरीदे थे उसमें से 1500 रुपए के गुड्स जल गए, तो हमारी परचेज कम हो गई। भैया फर्नीचर भी आग में जल गया धू धू करके बच्चों, तो फर्नीचर कहां जाएगा, फर्नीचर में से लेस हो जाएगा, लॉस बाय फायर 3000 का, ये लीजिए। बच्चों ये एक ही एडजस्टमेंट में दो बातें बोल रहा है, पहले मैंने आधी बात को कंप्लीट किया है, कहां तक, मैंने यहां तक किया है बाय फायर बस। फिर वो कह रहा है कि 1500 रुपए का गुड्स जल गया, 3000 रुपए का फर्नीचर जल गया आग में धू धू करके। बोलो ये समझ में आया यहां तक? यस सर आ गया समझ। देखो बच्चों जो हमारे गुड्स का और फर्नीचर का लॉस हुआ है, आपको पता चल गया भाई आग लग गई तो हमारा लॉस हो गया ना, वो जल गया बच्चों, तो वो पहले हमारे लॉस में आ गया,
ठीक है। अब जितने रुपए का गुड्स कम हुआ है उतना मैंने परचेज में से कम कर दिया, क्योंकि मेरे मेरा गुड्स कम हो जाएगा ना बच्चों। और जितना फर्नीचर चल गया है उतना मैंने फर्नीचर को भी कम कर दिया, क्योंकि अब मेरे पास वो फर्नीचर नहीं रहा। ठीक है, ये समझ आ गया। पर तुम लोग बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट थे, तुमने क्या करा रखा था कि भैया अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इंश्योरेंस करा रखा था, ये गुड्स का भी इंश्योरेंस करा रखा था और एसेट्स का भी, फर्नीचर का भी। तो देखो इंश्योरेंस कंपनी ने क्या कहा कि इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड क्लेम फॉर ₹1,000 फॉर गुड्स एंड 2,000 फॉर फर्नीचर। आपका सामान जल गया, आप इंश्योरेंस कंपनी के पास गए और बोला भैया इंश्योरेंस दो, हमने इंश्योरेंस करा रखा था और हमारे आग में सामान जल गया। उन्होंने कहा जी बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको गुड्स पे ₹1,000 दे देंगे और फर्नीचर पे आपको ₹2,000। अब ये जो पैसे आपको मिल रहे हैं ये आपके लिए प्रॉफिट की बात है या लॉस की? ये तो इधर आ जाएगा बच्चों, ये लो, ठीक है, ये हमारे पीएनएल में आ जाएगा क्रेडिट साइड। प्रॉफिट की बात है तो बाय इंश्योरेंस क्लेम, हाँ, गुड्स के लिए कितना मिल रहा है बच्चों और फर्नीचर के लिए कितना मिल रहा है, 1,000 एंड 2,000। अब क्योंकि ये मिला नहीं अभी, मिल जाएगा, पर पक्का पक्का मिल जाएगा बच्चों, पक्का पक्का मिल जाएगा, कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया तो पक्का पक्का मिलेगा। तो ये मेरे एसेट्स भी बन जाता है, इंश्योरेंस क्लेम, ठीक है, गुड्स पे और फर्नीचर पे। गुड्स पे मिलेगा इंश्योरेंस क्लेम 1,000, फर्नीचर पे मिलेगा 2,000। ये पक्का पक्का मिल जाएगा, इसलिए मिला नहीं है पर मिल जाएगा, तो मेरी इनकम भी हो गई। और ये अक्रूड इनकम की तरह ट्रीट होगा, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, तो इनकम तो हो ही गई, मिली नहीं है इसलिए एसेट्स का पार्ट बन गया। क्लियर है सबको ये? यस सर, क्लियर। ठीक है, अब बच्चों बिल्कुल जैसे पहले करते थे वैसे ही करो। अब सबसे पहले ट्रेडिंग का आंसर निकाल लो, पीएनएल का आंसर निकाल लो, और जो मैनेजर कमीशन वाली है वो सबसे लास्ट में करनी है। ये लो, लीजिए, मैं सबसे पहले बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल कर रहा हूं, डेबिट साइड का, क्रेडिट साइड का। चलो इसे आउटर कॉलम में लेके आते हैं। टू फोर थ्री फाइव सेवन टू, और इनको लेके आते हैं आउटर कॉलम में, माइनस 1100 माइनस 1500, तो ये बच्चों आ गया 92415, ठीक है ना। चलिए आप इधर टोटल करते हैं, डेबिट साइड का टोटल, क्रेडिट साइड का टोटल, प्लस 29170 प्लस 31790 प्लस 2470 प्लस 11000, तो बच्चों ये टोटल आया 166845 डेबिट साइड का। अब क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं बच्चों, डेबिट साइड का, क्रेडिट साइड का टोटल है 249672। अब आप लोग मुझे बताइए कौन सी साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है? क्रेडिट साइड। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आएगा तो बताओ मुझे क्या मिलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट। ये लो, ग्रॉस प्रॉफिट, बिल्कुल सही बताया संध्या ने, बाकी लोग तो मुझे लग रहा नशे के शिकार हो रखे हैं, आंसर ही नहीं कर रहे हैं। भाई जितना ज्यादा बोलोगे आंसर करोगे उतनी अच्छी बात है। 82 चेक करो बच्चों, 82,827 आ रहा है आंसर। Yes, sir. ये लो 249,672, 249,672। बच्चों हमारी क्रेडिट साइड ज्यादा थी तो हमें मिला है जीपी, और आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है जीपी यहां से यहां ट्रांसफर हो जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट। हां जी 82,827। अब आप फिर से जैसे पीएनएल का टोटल कर लीजिए, डेबिट साइड का, क्रेडिट साइड का। ये लो, अब मैं पीएनएल का कर रहा हूं बच्चों, डेबिट साइड का, क्रेडिट साइड का। सर हम एक बात बोलें? बोलो, क्या बोलना चाह रहे हो? सर वो मैनेजर कमीशन वाली एंट्री अभी नहीं हुई है, आप टोटल क्यों कर रहे हो? अरे रुक तो जाओ, मुझे भी तो मौका दो समझाने का, समझ आ जाएगा बच्चों। जिस तरह मैं कर रहा हूं मैनेजर कमीशन की एंट्री, बिल्कुल ऐसे ही आप लोगों को भी करनी है, और एग्जाम में जरूर आएगी ये, इसलिए बिल्कुल ध्यान से देखना कि किस तरीके से मैं इसको करूंगा।
देखो मैंने सारी के सारी एडजस्टमेंट कर दी और मैं आंसर निकालना स्टार्ट कर दिया है मैंने, सिर्फ मैनेजर कमीशन वाली एंट्री नहीं करी है मैंने, और इसको मैं अब करूंगा, ध्यान से देखना ठीक है ना। लो अब टोटल कर लेते हैं बच्चों, बच्चों क्रेडिट साइड का टोटल आ गया 92027, और बेचारा डेबिट साइड का टोटल कर लेते हैं, बच्चों डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 38937। हाँ जी बताइए हमारी कौन सी साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड ज्यादा है तो बताओ क्या मिलेगा हमें। नेट प्रॉफिट। हाँ संध्या बिल्कुल सही बोला, संध्या ने बिल्कुल सही बोला, नेट प्रॉफिट मिलेगा। पर क्योंकि बच्चों अभी एक एडजस्टमेंट बाकी है मैनेजर कमीशन की, तो हम इसे नेट प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, है ना। हमारी क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड से, तो हम अगर मैनेजर कमीशन वाली एंट्री नहीं होती तो हम इसको क्या बोलते थे, नेट प्रॉफिट, जैसे कि संध्या ने बोला। पर हम यहां पे बच्चों इसे सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बोलेंगे ठीक है ना। ये लो तो हमारा ये प्रॉफिट आ गया, ज्यादा वाले में से कम वाले को माइनस कर दो, ये लो ये आ गया बच्चों हमारा 53090, ये लीजिए ठीक है ना, ये हमारा प्रॉफिट आ गया सर। पर हम इसी को तो नेट प्रॉफिट बोलते हैं ना। हाँ बच्चों हम इसी को नेट प्रॉफिट बोलते अगर इस क्वेश्चन में मैनेजर कमीशन ना होता, पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भैया मैनेजर को कमीशन देना है, और मैनेजर को कमीशन देना बच्चों एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो जब तक आप सारे एक्सपेंसेस को माइनस नहीं कर दोगे तब तक हमारा प्रॉफिट नहीं आएगा ना। और इसमें इसमें से ये जो डेबिट क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड को लेस किया गया, तो सारे एक्सपेंस को लेस कर दिया है मैंने, सिर्फ एक ही एक्सपेंस नहीं किया मैंने जो कि मैनेजर कमीशन है। तो इसे मैं बोलूंगा तो प्रॉफिट बोलूंगा, पर नेट प्रॉफिट नहीं बोल सकता। हां अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं, किसको माइनस कर दूं जल्दी बोलो, अगर मैं इसमें से मैनेजर कमीशन को माइनस कर दूं, अगर मैं इसमें से मैनेजर कमीशन को माइनस कर दूं, तो जो रिजल्ट आएगा ये आएगा बच्चों नेट प्रॉफिट, फिर आप इसको बोल सकते हो नेट प्रॉफिट कि सर हमारा नेट प्रॉफिट आ गया। अब मैनेजर कमीशन को निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, आप सब लोग इस फॉर्मूले को लिख लोगे और इसको अप्लाई कर लोगे जब भी आएगा। बच्चों मैनेजर कमीशन का फॉर्मूला होता है मैनेजर कमीशन इक्वल टू प्रॉफिट इंटू रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। अब देखो प्रॉफिट तो हमारा आ ही चुका है 53,090 रुपीज, ये लीजिए 53,090 रुपीज। अच्छा रेट ऑफ कमीशन आप लोग बताओगे, रेट ऑफ कमीशन बताओ देखकर, 10%। तो देखो रेट ऑफ कमीशन 10% प्लस 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन 10%, तो बच्चों इसको प्लस करके एक साथ लिख दूं, ये हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 110। हाँ 110, 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन, तो 100 तो है, प्लस करेंगे 10% तो 110 हो गया। तो ये आ गया बच्चों आप लोगों का मैनेजर कमीशन, ये आप मैनेजर कमीशन निकाल रहे हो, ये लो 53,090 रुपीज का 10 डिवाइडेड बाय 110, तो बच्चों मैनेजर कमीशन आ गया 4826, ये हमारा मैनेजर कमीशन आया 4826। अब इस प्रॉफिट में से मैनेजर कमीशन को माइनस कर दो, तो ये आ गया हमारा नेट प्रॉफिट, तो माइनस करो बच्चों 4826 माइनस, तो हमारा नेट प्रॉफिट आ गया बच्चों 48,264। चेक करो नेट प्रॉफिट, चेक करो जल्दी से, ये लो। तो बच्चों यहां पे लिखेंगे हम प्रॉफिट, ये हमने प्रॉफिट निकाला 53,090 रुपीज, ठीक है, ये टोटल कर लेंगे हम, ये टोटल आएगा 92070, और ये यहां ट्रांसफर हो जाएगा बाय प्रॉफिट के नाम से, और 53090, ठीक है, और यहां पे हम दिखाएंगे पहला मैनेजर कमीशन
और इसके बाद जो बचा वो नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर, और टोटल हो जाएगा ये 53,090 रुपीज, 53,090 रुपीज। मैनेजर कमीशन आप लोगों ने जो निकाला है 4826, वो यहां लिख देना फॉर्मूले के बाद, और जो बच्चों आप लोगों ने नेट प्रॉफिट निकाला है वो यहां लिख देना 48264, ये लीजिए। अब आप लोगों को डाउट पूछना है, सर हम ना थोड़े से कंफ्यूज हो गए, प्लीज सर एक बार हमें मैनेजर कमीशन फिर से समझाओ। बच्चों बिल्कुल सिंपल है, मैंने क्या करा, सबसे पहले क्रेडिट साइड का टोटल कर लिया। अब यहां देखो, ठीक है, मैंने क्या करा, क्रेडिट साइड का टोटल कर लिया बच्चों पूरा, ठीक है। क्रेडिट साइड के टोटल के बाद मैंने क्या करा, मैंने डेबिट साइड का टोटल कर लिया, जो कि मेरा टोटल ये आया, ठीक है, जो कि मेरा टोटल ये आया 38937। अब इसमें से जो प्रॉफिट आया वो नेट प्रॉफिट होता था, पर मैंने इसे नेट प्रॉफिट नहीं लिखा, मैंने सिर्फ और सिर्फ उसको प्रॉफिट लिखा, और उसमें से मैनेजर कमीशन का ये फॉर्मूला लगा दिया, तो जो माइनस हुआ उसके बाद ये नेट प्रॉफिट आ गया, ठीक है ना बच्चों। अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट है तो मेरे से डिस्कस कर लेना, नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे बच्चों, इसको आप लोग नोट डाउन कर लेना अच्छी तरीके से, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।